और अपीशाब दियला रसें इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मकसद यह है कि जो आज हमने ये प्रोग्राम बनाया है, ये तो आपको पता है PMGKY जो नरेंद्र मोदी साहब ने रखी है 2020 अप्रैल, इसमें 81 करोड़ रुपए लागत आ गई। तो अब इस स्कीम को इसीलिए हमने चालू, जबकि सैलाब भी आया उस वक्त भी दौड़ कश्मकश कर एक प्रोग्राम चला आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी रिलेटेड ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया था। तो आज हम भी यहाँ इसमें हमने शिरकत किया, एज़ अ मेहमान खसूसी ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो सुबह के जो स्टाफ है, चाहे PSO साहब है, बाकी स्टोर कीपर जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इनकी। जितना इनने काम किया ये तो तारीफों के काबिल है, और मैं अपनी तरफ से और अपनी टाउन की तरफ से इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से इनने यहाँ पे काम किया है ये बहुत ही तारीफों के काबिल है। यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है, चाहे TSO साहब है और जितने भी स्टाफ है, ये जिसमें डीसी साहब ने एक आर्डर भी निकाला था, हम डीसी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जो हमारे डीसी साहब बहुत ही अच्छे इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्हें एक आर्डर भी यहाँ पे निकाला था कि रेलवे होनी चाहिए, दोबारा से इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो उस टाइम जो इनको जिनको कार्ड मिले थे, मुझे लग रहा है बहुत से ऐसे कार्ड है जो उन लोगों को मिले जो डिजर्व नहीं करते। और आज की डेट में अगर हम देखेंगे बहुत से ऐसे लोग अभी भी पड़े हुए जिनको अभी BPL या PHC कार्ड नहीं मिल रहा है। मसला यही है कि वहां से कोटा नहीं आता है। अगर वेरिफिकेशन होती तो जितने भी अगर उनमें कटअप होते तो वो उन लोगों को मिलेंगे जो उसके लिए डिजर्व हों। शुक्रिया जी। 20 अप्रैल को हम यहाँ पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी